ओ हाय गाइस, व्हाट्सअप। आप देख रहे हो स्कोर पॉइंट। तो रसल में 38 की एक ब्रॉक लेसनर के बैक स्टेज के क्लिप बाहर निकल के आ रही है, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस क्लिप में आपने 20 दिन का नेट ब्रॉक लेसनर बैक स्टेज के ऊपर होते हैं। वहाँ पर सेमस, रिजी हॉलैंड और उनके थर्ड जो पार्टनर है वो सब होते हैं। और लेकिन वहाँ से उनके पीछे से एक फ़ैन भी आता होता है, ब्रॉक लेसनर का सबसे बड़ा फ़ैन आता होता है, येलो स्टोन करके। उसको पीछे से अपने ब्रॉक लेसनर रोकते हैं, भागते भागते इधर उनको उसको फ़ैन को रोकते हैं और उसके साथ एक अपना हैंडशेक करते हैं, उसके साथ एक सेल्फी निकालते हैं। आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे ब्रॉक लेसनर किस तरह से उस फ़ैन को ट्रीट कर रहे हैं और फोटोज और सेल्फी निकाल रहे उस फ़ैन के साथ। और वहीं पर सेमस, रिजी हॉलैंड और थ्री थॉट उसका नाम है, वो सबको हैंडशेक करते हैं, शेमस के साथ मिलते हैं, सबको मिलते हैं, कांग्रेस करते हैं। ब्रॉक लेसनर वहाँ से निकल जाते हैं, अपने चुपचाप निकल जाते हैं बैक स्टेज से बाहर। ऐसे कुछ है ब्रॉक लेसनर की अनसीन फुटेज ऑफ रेसलमेनिया 38। इस ब्रॉक लेसनर हर एक फैन को टीज करते हैं, हर एक फैन के साथ फोटो निकालते हैं, सेल्फी खींचते हैं, ट्रीट करते हैं, हैंडशेक करते हैं, सब तरह से। इस क्लिप में आपने देखा ही होगा ब्रॉक लेसनर को। और गाइज, अब हम ऑफिशियली कह सकते हैं रोमन रेंज को फर्स्ट अपोनेंट होने वाले हैं, वो अपने साथ फ्रिकिन रॉलिंस होने वाले रेसलमेनिया 38 बैक स्टे सॉरी ब्लैक क्लैश में जो मैच होने वाले हैं वहाँ पर सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ऑफिशियली अपोनेंट होने वाले हैं हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के लिए।